ऑर्डर टू शुरू करने से पहले, जब आप ऑर्डर वन पढ़ चुके हैं और ऑर्डर टू शुरू करने वाले हैं, उससे पहले आपको दो चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दैट कॉज ऑफ एक्शन मीन्स बंडल ऑफ दोज एसेंशियल फैक्ट्स विच आर नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस बाय द प्लेंटिफ। अगर प्लेंटिफ को अगर सक्सेसफुल होना है किसी सूट में, तो जो चीजें उसको साबित करनी जरूरी है उसको कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन, बंडल ऑफ दोज फैक्ट विच आर नेसेसरी टू बी प्रूव। दूसरी बात, सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट क्या होता है। सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट वाकई में जिस चीज के लिए डिस्प्यूट है कोर्ट के अंदर, उसको कहते हैं सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट। एक एग्जाम्पल से अगर आपको मैं समझाऊं कि अगर आपने सूट इंस्टीट्यूट किया फॉर द पोजेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो सब्जेक्ट क्या है, द इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसके लिए आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है। तो सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट क्या रहा, रिकवरी ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब रूल वन एक्चुअली एक पॉलिसी है, इसको जनरली तो एक पॉलिसी कहते हैं, लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि अगर बाद में कोई सूट अगर उसी सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट के लिए अगर वापस इंस्टीट्यूट किया जाता है तो दैट विल बी बार्ड। सो ये कहता है कि एवरी सूट शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल इट शैल बी ड्राफ्टेड और इट शैल बी फ्रेम्ड इन सच अ मैनर सो एज टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर फर्दर फाइनल डिसीजन अपॉन द सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट एंड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन कंसर्निंग देम। तो इस तरीके से ये एक पॉलिसी है जो कि बताता है कि सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट से रिलेटेड अगर कोई भी सूट अगर इंस्टीट्यूट किया जाना है तो ये इस तरीके से इंस्टीट्यूट किया जाएगा सो एज टू अफोर्ड द कोर्ट सो एज टू हेल्प द कोर्ट टू गिव अ फाइनल जजमेंट अपॉन द सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट एंड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन। बार बार सूट इंस्टीट्यूट ना किया जाए, ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट्स। अब आते हैं रूल टू के ऊपर। रूल टू को पढ़ने से पहले कॉज ऑफ एक्शन आपने पढ़ ही लिया। रूल टू ये कहता है, इसके तीन पार्ट्स हैं, सब रूल वन टू एंड थ्री। सब रूल वन तो सिंपली आपको ये बात कहता है कि अगर एक कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर आपको कोई भी क्लेम अगर अवेलेबल है जो आप कोर्ट से मांग सकते हैं, तो सारे के सारे जितने भी क्लेम आपके पास अवेलेबल हैं उसी कॉज ऑफ एक्शन को लेकर, जैसे आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट करना है फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप रेंट भी मांग ले, आप जो भी और दूसरी चीजें मीन प्रॉफिट वगैरह सब कुछ मांग ले। अगर आपने नहीं मांगा है तो फिर बाद में दूसरा सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा। इसको लॉ के अंदर स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम कहा जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम इज एक्चुअली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो इस तरीके से एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम, पूरा का पूरा क्लेम आपका दावे के अंदर सूट के अंदर आ जाना चाहिए। अगर आप कोई इंटेंशनली ऑमिट करते हैं किसी भी हिस्से को सो दैट इट कैन कम विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो वो अलाउड है। दूसरी बात, अगर आप इंटेंशनली रिलिंक्विश करते हैं किसी क्लेम को, तो यू कैन नॉट इंस्टीट्यूट विद रेस्पेक्ट टू दैट क्लेम विच यू हैव इंटेंशनली ऑमिटेड और रिलिंक्विश्ड, उसके लिए आप बाद में दावा नहीं कर सकते। तीसरी चीज, अगर एक ही कॉज ऑफ एक्शन को लेकर अगर आपने आपके पास बहुत सारी रिलीफ अवेलेबल हैं और आप को अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट करना है, तो सारी की सारी रिलीफ आप मांगेंगे कोर्ट से। अगर आप नहीं मांगते हैं तो बाद में अगर कोई दूसरा सूट इंस्टीट्यूट करते हैं फॉर आस्किंग द रिलीफ ऑन दैट कॉज ऑफ एक्शन फॉर विच यू हैव ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड द सूट, वो बार होगा। सो ये तीन चीजें हैं। रूल थ्री को पढ़ने से पहले हम रूल फोर पढ़ेंगे, क्योंकि जो ज्वाइंटर ऑफ क्लेम्स जो है ना, ये रूल टू और रूल थ्री दोनों इसी से डील करते हैं। रूल फोर आपको ये बताता है कि जब वेन यू आर गोइंग टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन यू कैन नॉट ज्वाइन वेरियस कॉजेज ऑफ एक्शन। कोई दूसरा कॉज ऑफ एक्शन आप उसके अंदर ज्वाइन नहीं कर सकते एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। अगर आपने न्यायालय की इजाजत ले ली है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते एक्सेप्ट। लेकिन ये तीन चीजें आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या, सबसे पहले क्लेम फॉर मीन प्रॉफिट एंड रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच हैज बीन क्लेम्ड, इसकी रिकवरी आप चाहते हैं उसकी मीन प्रॉफिट या फिर जो एरियर ऑफ रेंट जो होते हैं वो मांग सकते हैं आप। दूसरी चीज, डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए किसी आदमी ने आपको कहा कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, आप मुझे 1,00,000 रुपए दे दें, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट के बाद में वो देने से मना कर देता है, आपने रिकवरी के लिए दावा किया कि मेरी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसके लिए एग्रीमेंट हुआ था उसकी रिकवरी की जाए,
और उसके साथ में अगर आप डैमेजेस भी क्लेम करते हैं फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो भी दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल. तीसरी चीज, क्लेम इन विच द रिलीफ सॉट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, उसी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर अगर कोई दूसरी रिलीफ भी क्लेम या रिलीफ भी अगर अवेलेबल है तो वो भी मांग सकते हैं. तो ये सब चीजें आप मांग सकते हैं कोर्ट में. लेकिन अगर कोर्ट को कहीं भी ऐसा लगता है कि ऐसा करने से, ऐसे कॉजेज ऑफ एक्शन जोड़ने से या क्लेम्स जोड़ने से इट विल बी प्रिजडाइज्ड, इट विल एम्बरेस और डिले द फेयर ट्रायल ऑफ द सूट, ये रूल 6 कहता है आपका. सो इन दैट केस द कोर्ट में ऑल्सो ऑर्डर सेपरेट ट्रायल. कोर्ट को जहां कहीं लगता है कि इट में एम्बरेस और डिले द ट्रायल, इट में ऑर्डर दैट द कॉजेज ऑफ एक्शन और क्लेम शुड बी सेपरेटली ट्राइड. अब एक जो लास्ट चीज इसमें बचती है वो ये है कि ज्वाइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन. ये जो कॉजेज ऑफ एक्शन जो होते हैं, ये इससे पहले आपने पढ़ी लिया कि कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है. लेकिन अगर एक प्लेंटिफ दूसरे प्लेंटिफ हैं, बहुत सारे प्लेंटिफ्स हैं, बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं, उनके खिलाफ अगर सूट इंस्टीट्यूट करता है तो क्या अलग अलग कॉजेज ऑफ एक्शन भी जोड़ सकता है सेम सूट में? आंसर है जनरली नहीं कर सकता, लेकिन ये कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर कर सकता है. सेक्शन रूल 3 जो है आपका वो ये बताता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अ प्लेंटिफ में यूनाइट इन द सेम सूट अ प्लेंटिफ में यूनाइट, दैट मीन्स एक ही प्लेंटिफ हो अगर तो ही में यूनाइट इन द सेम सूट सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन, बहुत सारी कॉजेज ऑफ एक्शन जोड़ सकता है अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट, एक ही डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, और द सेम डिफेंडेंट या फिर बहुत सारी हैं तो फिर. एंड एनी प्लेंटिफ मे हैविंग कॉजेज ऑफ एक्शन इन विच दे आर ज्वाइंटली इंटरेस्टेड अगेंस्ट, एंड एनी प्लेंटिफ हैविंग कॉजेज ऑफ एक्शन इन विच दे आर ज्वाइंटली इंटरेस्टेड अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट्स ज्वाइंटली मे यूनाइट सच कॉजेज ऑफ एक्शन इन द सेम सूट. इसको बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको कुछ जो अलग अलग सिचुएशन हो सकती है वहां पर आपको लेके जाता हूं. सबसे पहली सिचुएशन हो सकती है वन प्लेंटिफ वन डिफेंडेंट एंड सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन, एक ही प्लेंटिफ है, एक ही वादी है, एक ही प्रतिवादी और बहुत सारे कॉजेज ऑफ एक्शन है. इस सिचुएशन के अंदर एक प्लेंटिफ जो है वो कितने भी कॉजेज ऑफ एक्शन जोड़ सकता है. लेकिन जहां कहीं कोर्ट को ये लगेगा दैट इट मे एम्बरेस द फेयर ट्रायल ऑफ द सूट, तो वहां पर कोर्ट ऑर्डर ये कर सकता है कि सेपरेट ट्राई किया जाए अलग अलग कॉजेज ऑफ एक्शन. दूसरी सिचुएशन होती है ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स एंड कॉजेज ऑफ एक्शन. ये वो सिचुएशन होती है जहां पर दो या उससे ज्यादा प्लेंटिफ होते हैं और बहुत सारे कॉजेज ऑफ एक्शन होते हैं. ऐसे सिचुएशन में प्लेंटिफ में ज्वाइन सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन इफ दे आर ज्वाइंटली इंटरेस्टेड. सबसे पहली कंडीशन दे आर ज्वाइंटली इंटरेस्टेड. बट सेकेंडली दिस एक्चुअली दिस रूल इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू सर्टेन अदर रूल्स ऑल्सो. रूल एक तो रूल 1 होता है, एक रूल 3 होता है. सो इन दैट केस द प्रोविजन्स मस्ट बी रेड विद रूल 1 ऑफ ऑर्डर 1. इसलिए ऑल प्लेंटिफ मस्ट बी ज्वाइंटली इंटरेस्टेड इन ऑल द कॉजेज ऑफ एक्शन. द कॉजेज ऑफ एक्शन मस्ट हैव अराइजन फ्रॉम द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन एंड कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट मस्ट बी इन्वॉल्व. तो ऐसा करने के लिए ये जरूरी होता है. फिर आती है तीसरी सिचुएशन ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स एंड कॉजेज ऑफ एक्शन. मान लीजिए एक ही प्लेंटिफ है, दो या उससे ज्यादा डिफेंडेंट है और बहुत सारे कॉजेज ऑफ एक्शन है, तो ऐसे में ये तीन कंडीशन फुलफिल करनी जरूरी होती है. द डिफेंडेंट मस्ट बी ज्वाइंटली इंटरेस्टेड इन ऑल द कॉजेज ऑफ एक्शन. जो डिफेंडेंट है वो भी ज्वाइंटली इंटरेस्टेड होने चाहिए. दूसरी बात, द रिलीफ क्लेम मस्ट हैव बीन बेस्ड ऑन द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन एंड कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व. अगर ऐसा नहीं है तो फिर दिस इज अ केस ऑफ मल्टीफेरियसनेस. मल्टीफेरियसनेस का मतलब क्या होता है? अगर ये जो तीन कंडीशंस जो मैंने बताई है ये इनमें से कोई भी एक फुलफिल नहीं होती है तो उसको कहते हैं मल्टीफेरियसनेस एंड द सूट विल बी बैड ऑन मल्टीफेरियसनेस. चौथी जो सिचुएशन जो हो सकती है वो ये होती है कि ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ डिफेंडेंट्स एंड कॉजेज ऑफ एक्शन. एक से ज्यादा प्लेंटिफ भी है, डिफेंडेंट भी है और बहुत सारे कॉजेज ऑफ एक्शन भी है. तो ऐसी सिचुएशन में ऑल प्लेंटिफ मस्ट बी ज्वाइंटली इंटरेस्टेड इन द कॉजेज ऑफ एक्शन एंड ऑल डिफेंडेंट्स मस्ट ऑल्सो बी ज्वाइंटली इंटरेस्टेड इन द कॉजेज ऑफ एक्शन. और वही सिचुएशन ऑर्डर 1 रूल 1 और ऑर्डर 3 ऑर्डर 1 रूल 3, ये दोनों कंडीशंस, ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी होती है. इफ डिफेंडेंट्स आर नॉट ज्वाइंटली इंटरेस्टेड इन द कॉजेज ऑफ एक्शन सूट विल बी बैड ऑन मल्टीफेरियसनेस. इफ नीदर प्लेंटिफ नॉर डिफेंडेंट आर ज्वाइंटली इंटरेस्टेड इन द कॉजेज ऑफ एक्शन सूट विल बी बैड ऑन
डबल मिस जॉइंडर्स, और इसके बाद में जो मैंने आपको बताई थी एक और सिचुएशन।